हेल्थ देखिए इनकी जी बिल्कुल जी बिल्कुल और इसमें देखिए ये ये कुकून है जो आपको दिखाई दे रहा है ये ये केचवे का अंडा है अच्छा ये का अंडा देखो ये दिखाया आज ये देखिए जी ये. इससे ही बनेगा वो हाँ इसमें से तीन से पांच तक ये बच्चे निकलते हैं अच्छा हाँ नमस्कार जी नमस्कार भैया कैसे हैं भैया बस बढ़िया अपनी है, है? बढ़िया बढ़िया सबसे पहले तो माइक अपने पे लगा लीजिए तो भैया आज आपके फार्म पे आए हैं मैं देख रहा हूँ आसपास में तो खेती हो रही है हां जी सर और आप यहाँ पे वर्मी यूनिट चला रहे हो खेतों बीच में बहुत सारी पुराली रखी हुई है सबसे पहले छोटा सा परिचय मेरा नाम प्रमोद सारण है और ये जो यूनिट लगी हुई है ये हिसार जिले के कैमरी गाँव में है हिसार जिला हरियाणा में पड़ता है और उसके कैमरी गाँव में है और ये देखिए आप हम यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं हैं खाद बनाते हैं। पिछले दो साल से हम बना रहे हैं ये अच्छा। और अब ये देखिए बेड भी बन रहा है जी। और ये प्लांटेशन भी हमने कर रखी है जी। तो सर पहले ये बताइए पहले आप खेती करते थे नहीं नहीं मैं पहले टीचिंग करता था बारह साल का मेरा टेन्योर रहा एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अच्छा बारह अभी फिर दो साल पहले ही मैंने इस काम को शुरू किया बारह साल जॉब करने के बाद मैं फेड अप हो गया था नौ से पांच की जॉब करते करते फिर कुछ अपना करने की मन में थी जी जी। और शहर के बिल्कुल नजदीक ये हमारा खेत था और फिर फिर मेरे ध्यान में आया कि वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं क्योंकि घर में मैंने प्लांटेशन कर रखी है वर्मी कम्पोस्ट मैं यूज करता था और फिर मैंने देखा इसको बनाते कैसे हैं फ्यूचर उसका मुझे ब्राइट लगा क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो इसी वजह से एक क्वेरी हुई मेरे को फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया तो पता लगा कि ये ज, इसको जो बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मैं सारी पूरी कर पा रहा था जैसे शहर के पास जमीन है पानी की फैसिलिटी लेबर सब तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी और

अब ठीक कह है रहे हैं पीसफुल जॉब थी और उसमें ज़्यादा मत... वो भी नहीं था कि हेडेक थी हुँँ. पर होता है हर एक के साथ जो जॉब कर रहा है वो कहीं ना कहीं फेडअप हो जाता है एक लंबे टाइम के लिए वो एक ही काम करता रहे नौ से पाँच की जॉब सुबह जाना शाम को आना जी। फिर डेली वही रूटीन तो ये भी मेरे साथ मेरे साथ चीजें हो रही थी और फिर मैं

और पहले उनका एनालाइज किया मैंने और देखा भी क्या क्या इनको दिक्कतें आती हैं और कैसे ये काम करते हैं कौन सा इन्वायरमेंट इनके लिए ठीक रहता है कौन से टेम्परेचर में बढ़िया काम करता है वो थोड़ा एक आइडिया होने के बाद फिर मैंने पांच बेड से शुरुआत की फिर पांच बेड से आज पिछासी बेड हो गए हैं अच्छा हॉबी से बिजनेस बन गया हाँ जी आप ये कह सकते हैं जी सर तो ये किचन गार्डन के लिए बनाते थे भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर रखी है ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करते हैं घर के लिए सब्जियाँ वगैरह लगा रखी है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी

तो क्या हो रहा था थोड़ा बताइए अब ये वर्मी कंपोस्टिंग करने के दो तरीके हैं या तो आप बिल्कुल ही लो बजट पे कर सकते हैं जैसे ये पन्नी वगैरह ईंट वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है जी पर उसमें क्या होता है क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।, है क्योंकि मिट्टी थोड़ी बहुत ऐड होती है उसके अंदर है। मिट्टी में चले जाते हैं जब उतार करते हैं हम इसके हार्वेस्ट करते हैं तब भी मिट्टी आ जाती है तो क्वालिटी इसकी खराब होती है कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ फिर हम क्या करते हैं इसमें ये पन्नी बिछाते हैं नीचे ठीक है, है।, है अब दो बेड है ये एक साथ लगे हुए नौ फुट चौड़ी ये पन्नी है ठीक है तो नौ फुट बीच में ये ईट साइड में है और एक बीच में है तो एक फुट तो इसमें कंज्यूम हो गई हमारी बीच में चार चार फुट के दो बेड है ठीक है तीस फीट हमने इसकी की लंबाई रखी है हाँ जी ठीक है इस फिट तो काफी तगड़ा बेड बना रखा है हाँ सर हाँ देखो दोस्तों हाँ जी सर इतना बड़ा बेड मैंने शायद अभी तक नहीं देखा है वर्मी कम्पोस्ट का अमूमन लोग क्या करते हैं कि सवा फिट हाइट रखते हैं हम इसकी हाइट रखते हैं डेढ़ फिट डेढ़ फिट ठीक है और टेपर भी इसका ज्यादा नहीं करते हम ऐसे करते हैं भी इसमें ज्यादा ज्यादा से ज्यादा गोबर आए

अभी ये 85 बेड्स हैं आपके पास हाँ जी हाँ जी और लैंड कितना है सर ये अब ये जो लैंड है पूरा एरिया है जैसे ये खाली जगह छोड़ी हुई है गोबर डालने के लिए जी, जी। और इस साइड में भी छोड़ रखी है हमने जी। तो ये टोटल मिला के है एक एकड़ से एक कनाल कम है सात कनाल बोल सकते हैं आप इसे एक एकड़ में यहाँ पे होती है आठ कनाल अच्छा हाँ तो एक कनाल कम है जी तो लैंड भी ठीक ठाक आपने मतलब यहाँ कर रखी है वो पड़ोसियों के हैं जो इस तरफ है आपका इस तरफ सारी अपनी जमीन है जी अच्छा और, जमीन आपकी है कितनी जमीन टोटल यहाँ पे साढ़े सात एकड़ है टोटल हमारे फार्म के पास है पच्चीस एकड़ जमीन पच्चीस एकड़ पच्चीस एकड़ ठीक ठाक है, है जमीन ठीक ठाक है जी 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 तो सर ये बताओ जैसे अब आप इसे बिजनेस के तौर पर कर रहे हो कमर्शियल तरीके से कर रहे हो आगे चलेंगे और बेड दिखाएंगे हाँ जी हाँ जी जैसे बिजनेस के तौर पर कमर्शियल तौर पे कर रहे हो तो ये अपने खेतों में डाल रहे हो या अर्निंग भी कर रहे हो उससे कुछ खेत में भी डालते हैं और जैसे अभी 2000 हजार क्विंटल हो जाती है तो इसको हम सेल आउट भी करते हैं नियर बाई किसान है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है जी ठीक है तो वो भी लेके चला जाता है जी 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 और जैसे बागवानी जो कर रहे हैं भाई है है। वो लेके जाते हैं जब इस आ, सिटी जैसे नजदीक है, है तो जो किचन गार्डनिंग वगैरह करते हैं है। उन वो हमारे कस्टमर है मेजर कस्टमर हमारे वही है अच्छा हॉर्टिकल्चर वाले जी और जो बैक यार्ड गार्डनिंग आप जिसे बोलते हैं वो है हमारे कस्टमर जी तो कितने ही खाद बेच लेते हैं साल में फिर जो साल में, आप बता, अपने लिए यूज नहीं करके बाहर से बाहर से बाहर हैं हाँ अब जैसे 2000 क्विंटल हमारी प्रोडक्शन है जी ठीक है जब मार्केट में हम सेल आउट करते हैं उसको छान के करते हैं जी छानने के बाद जो ऊपर बच जाता है ठीक हाँ, है ऊपर हाँ, बचता है वो हम यूज कर लेते हैं खेती के लिए हमारे लिए क्योंकि वो हम सेल नहीं कर पाते हाँ, क्योंकि उसमें बड़ी ऐसे डली बन जाती है आप बोल सकते हैं ठीक है तो कस्टमर लेता भी नहीं है जी, वो जी, जी, होता तो खा दी है ठीक हाँ, है हाँ, वो हम फिर हमारे खेतों में यूज कर लेते हैं वेस्टेज अच्छा, वेस्टेज को कुछ भी नहीं है जीरो है। है है मलाई, मलाई जा रही हाँ, ना? आप ये बोल सकते हैं जी, जी, और जी, जी। दो हजार जैसे प्रोडक्शन है पूरे फार्म की एक साल की जी और पिचासी है, बेड हैं हमारे पास हाँ, हाँ। तो एक बेड से आप मान सकते हैं की साढ़े बाईस क्विंटल और तेईस क्विंटल हमारा एवरेज आता है पूरे साल का अच्छा ये है जी तो अर्निंग की अगर अर्निंग की जहाँ तक बात है सात सौ रुपए क्विंटल हमारा मिनिमम रेट है जो बल्क में जाता है जी। हमारी चार पैकिंग है पांच किलो की दस किलो की पच्चीस और पचास पाँच किलो की पैकिंग जो डायरेक्ट कस्टमर को जाती है जी। जो सिटी में बैक यार्ड गार्डनिंग करते हैं वो जाती है सत्तर रुपए की और दस किलो वाली एक सौ बीस रुपए की ठीक है और पच्चीस किलो की पैकिंग है वो ढाई सौ रुपए की जाती है अच्छा हाँ दो सौ ढाई सौ अगर बल्क में ऑर्डर आता है तो वो दो सौ कर देते हैं वैसे ढाई सौ रुपये रहता है हमारा और पचास किलो की पैकिंग जाती है साढ़े तीन सौ रुपये की सात सौ रुपये मिनिमम रहता है क्विंटल के हिसाब से कहाँ लोकल में ही जा रही है अभी ये लोकल में जा रही है दूर दूर भी लेके जा रहे हैं जैसे जो बागवानी कर रहे हैं भाई पचास किलोमीटर दूर भी हमारे कस्टमर हैं और काफ़ी टाइम से हम इसे जुड़े हुए हैं जी तो सर जैसे आपने बताया इतनी पैकिंग है तो आपको क्या बच जाता है फिर क्योंकि जॉब छोड़ी है आपने काफी से अमाउंट होगा जो छोड़ा था आपने और अब आप दो हजार और उसको डिवाइड करें आप पर मंथ में एक बेड से आप एक हजार रूपए एक महीने का निकाल सकते हैं अच्छा हाँ पिचासी बेड है तो पिचासी हजार रूपए आप निकाल सकते हैं आराम से आ जाता है अगर कंडीशन एक ही है अगर आप ठीक रेट में उसे बेच पा रहे हैं तो ठीक है दूसरा इसमें एडिशनल इनकम ये हो जाती है सर कि केचवे भी आपके सेल आउट होते हैं केचवे का क्या हिसाब रहता है केचवे का ये होता है भाई हम हमारा रेट है सौ रुपये से लेके दो सौ रुपये अच्छा. बड़ा कस्टमर है ठीक है बड़ी कोई डिमांड आती है जी. तो उसके लिए सौ रुपये है जी. वैसे हमारा दो सौ रुपये रहता है जी ठीक है तो एडिशनल इनकम ये हो जाती है इसकी एवरेज ये पिछले एक साल की बात करूँ तो चालीस हजार रुपये पर मंथ की हमारी इनकम आ जाती है के, सेल आउट अच्छा, के करने की जी। हाँ जी। तो करीवन, करीवन आप आप मान आपका देखो लैंड तो है ही हाँ और ये पेड़ अच्छे चल रहे हैं आपके सफेदा है शायद ये 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 है टिश्यू कल्चर के हैं ये रेड डायमंड वैरायटी है हिसार सफेदा बीच बीच में जो छोटे है वो हिसार सफेदा भी कितने दिन के हैं सर ये ये आप मान के चलें कि ये डेढ़ साल के हैं सर दोस्तों वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे अगर आप बाग भी लगाना चाहो तो वो भी सक्सेसफुली हो सकता है ये अभी डेढ़ साल का पेड़ है और देखो कितना अच्छा चल रहा है और आ, सर कुछ लगाते हो उसमें कुछ खाद की कुछ कुछ नहीं।, नहीं खाद की जरूरत नहीं है इसमें जैसे क्या होता है खाद तो इनमें जैसे पानी डालते हैं हम पानी रिस्क कर इसके जड़ों में आ जाता है हाँ। अब जैसे मानसून सीजन है होता है तब जब बारिश होती है तब क्या होता है बारिश पूरे एरिया में होती है तब तो जो वर्मी वाश जो हम बोलते हैं वो इनकी जड़ों में जाता है सर छोटे हाइट वाले पेड़ आम का बाग, हाँ बाग हाँ हाँ। चाहे बिल्कुल तो तो कर मतलब पैसा अच्छा कमा सकता है खाली पड़ा है जगह बिल्कुल बिल्कुल अब ये देखिए अब दो बेड है इनके बीच में अमूमन लोग कम जगह छोड़ते हैं दो फीट की छोड़ते हैं हमने छोड़ दी तीन फीट की जी, जी, अब हमारा ये होता है भी प्लांट लगा रखा है या जो प्रोडक्शन कर रहे हैं सक्सेसफुल होगी जितनी कॉस्ट कम होगी हम कस्टमर को भी उसी रेट में दे सकते हैं रेट थोड़े कम कर सकते हैं गुंजाइश रहती है इस चीज की जी जी तो सर मैं एक चीज अपने भाइयों को सलाह देना चाहता हूँ भाइयों अगर आपका बाघ लगाओ नीचे खरपतवार से परेशान हो तो नीचे वर्मी कंपोस्ट के बेड लगा दो अपने खेत के लिए तैयार करो बिल्कुल बिल्कुल कमर्शियल छोड़ो अभी हाँ। अपने लिए तैयार करो यूरिया की कॉस्ट बचाओ आप और अच्छा खिलाओ अपने परिवार को बिल्कुल सही जी? कह रहे हैं आप अब जी? आप ये देखिए इनकी ग्रोथ देखिए आप जी जी बिल्कुल प्लांट है आप इनका कलर देखिए और वर्मी कंपोस्ट ही इसका मेन कारण मेन मेन कारण है है ना बिल्कुल सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ करेटे आपने तैयार कर रखी है ये क्या है अब ये जी आ, अर्थ पम्प का ऑर्डर आया हुआ है, है कैचुए सेल आउट के लिए रखे हुए हैं हमने अच्छा हमारा ये तरीका रहता है कि जैसे बेड से कैचवे निकालते हैं हाँ। पहले फिर उनकी ढेरियाँ बनाते हैं ऐसे जी जी ठीक है अब ढेरियों दे, से क्या करते हैं हम ऊपर से ये गो, गोबर ऐसे करते रहते हैं अच्छा ठीक है हटा देते हैं ठीक है ताकि जो कस्टमर है उसको केचुओं की क्वांटिटी ज़्यादा मिले अब ये देखिए गोबर हटाते रहेंगे हटाते रहेंगे ठीक है ये एक्स्ट्रा गोबर है ये नीचे चला जाएगा जी जी। फिर ये ऐसे करते करते ये इतना हो जाएगा अच्छा। अब इसमें आपको दिखाना चाहूंगा मैं केचुओं के गोबर में मतलब इसमें केचुए हाँ हाँ। केचुए भरे भरे हुए भरे हुए हैं हैं ये देखिए अरे बाप रे ये देखिए सर काफी अच्छी क्वांटिटी है ये बिल्कुल अलग करने का बिल्कुल नया तरीका देखा मैंने ये देखिए दोस्तों देखो कितनी अच्छी क्वांटिटी में केचुआ आई है और यही मेन मशीन है जो गोबर से खाद बनाती है ये हेल्थ देखिए इनकी जी बिल्कुल जी बिल्कुल और इसमें देखिए ये कुकून है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ये के अंडा है अच्छा ये का अंडा ये हाँ देखो ये सर ने दिखाया आज ये देखिए जी इससे ही बनेगा वो हाँ, से तीन से पांच तक ये बच्चे निकलते हैं अच्छा हाँ ये इसमें भरपूर मात्रा में ये देखिए देखिये भाईयो आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से आज दिखा दिया है हमें इन्होंने सर ने ये देखिए और ये आपका छान छान के ऐसे आप मतलब लोगों के पास पहुँचा रहे हैं और तेरी दोस्तों देखो तो सर ये तो मतलब काफी अच्छी क्वांटिटी में केचो दे रहे हो फिर तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल प्योर केचो दे रहे हो बिल्कुल तो आप है ना बिल्कुल जी 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 तभी हमारा हर मंथ ये सेल होता रहता है कस्टमर हमसे जुड़ते रहते हैं नए नए कस्टमर आते हैं और ये देखिए कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई है जैसे आप यूनिट तो चला ही रहे हैं हाँ जी सर तो काफी किसान लोग भी आसपास के देखते होंगे भाई क्या कर रहे हाँ हैं हाँ जी सर ये पढ़ा लिखा लड़का कैसे यहाँ क्या करने लगा है आप बोल बोल सकते तो आते हैं आपसे मिलते हैं पूछते हैं क्या हो रहा है हाँ हाँ मिलते हैं और अभी उनका रुझान भी है इस तरफ कई कैच भी लेके जाते हैं अच्छा अब धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस फैलती है तो लोग इससे जुड़ के आगे का अपना भी कुछ इनकम करना चाहते हैं अच्छा हाँ तभी हमने ये कैचवे निकाल रहे थे और आसपास के किसान लेके भी जाते हैं अच्छा हाँ जी तो जैसे आप शिक्षक हैं हैं हाँ जी आपका मतलब प्राइमरी तो ये होगा उनको ट्रेन करना ट्रेनिंग देते हाँ, हाँ, आप? आ, बिल्कुल देते हैं यहाँ पे महीने के लास्ट वीक में पूरे वीक ट्रेनिंग चलती है जी फोन कॉल करके किसान अपना टाइम लेके आ सकता है जी ठीक है पूरे वीक में कभी भी आ सकता है जी और ये उनको पूरा सिखाया जाता है कैसे बेड बनाना है ठीक हाँ। है और कैसे पानी का ध्यान रखना है सारा पूरा उनकी तसल्ली हो जाए तभी उसको हम मानते हैं कि इसको अब ये खाद बनाने लायक हो गया है फिर भी कोई क्वारी होती है दोबारा आ सकता है ट्रेनिंग पे अगर अपना बेड लगाता है तो फोन कॉल्स करके वीडियो भेज के हमसे कुछ भी पूछ सकता है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अरे सर प्राइमरी कस्टमर कौन है आपका किसान भाई अभी नर्सरी वाले हैं किसान नर्सरी पे हमारा जाता है टेन परसेंट माल अच्छा मेजर हाँ, हमारे जो कस्टमर है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं हॉर्टिकल्चर जो कर रहे हैं बागवानी जो जो कर रहे हैं जी दूसरा पॉली हाउस जिन्होंने लगा रखा है या जो किचन गार्डनिंग करते हैं जी जी हिसार में लगा लें आप नियर बाई सिटी में वो हमारे मेजर कस्टमर है उन्हीं के पास ज्यादा माल जाता है क्योंकि अच्छे रेट वही दे पाएंगे आपको नर्सरी पे ज्यादा मार्जिन नहीं होता और धंधा इसी पे डिपेंड होता है अगर अच्छे रेट पे आप बेचेंगे अच्छा माल बेचेंगे अच्छे रेट पे बेचेंगे और आगे जो कस्टमर है हाँ ये जी, जी। देखिए हा, हा, सर सब कुछ है प्याज से लेके और मतलब टमाटर भी आ गए टमाटर भी है लहसुन भी है सब कुछ लगा रखा है सर जी और बीच में ये प्लांटेशन कर रखी है किन्नु है और यहाँ पे आंवला है और ये आम भी लगा रखा है पीछे हमने जी सब कुछ है मतलब कुल मिला के है कि एक एकड़ जमीन से कम जमीन है लेकिन उसमें ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन निकालने की कोशिश है बिल्कुल जी 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 दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे चल के दिखाता हूँ अब थोड़ा चलते हैं इनका प्रोडक्शन जो तैयार कर रखा है इन्होंने वो देखते हैं इसके लिए वेयर हाउस तो बना रखा छोटा सा इन्होंने यहाँ पे कट्टे रखे हुए हैं जी तो ये सर की पैकिंग है यहाँ पे इनका खाद है और ये तैयार है जाने के लिए सर कहाँ जा रहा है ये सारा माल अब ये कल जा, जा रहा है जी सिटी के अंदर जा रहा है अभी जैसे क्या होता है ऑर्डर हमारे पास आ जाते हैं जी किसी कस्टमर का आया है तो हमारा गाड़ी जाती है वीक में एक बार जी तो जितने भी ऑर्डर आते हैं उनको सा, एक साथ डिलीवरी हो जाती है जी. अब ये जो बैग है ये दस के का है ठीक हाँ. है, है ये है पाँच के का ये पच्चीस के की पैकिंग है ये पचास की है जी जी ये है सर जी

अभी जैसे यूनिट ज़्यादा बड़ी हो जाएगी जी तब ऐसा कुछ होगा कि आ, आ, कुछ माल बचता है तब ऑनलाइन की तरफ हम जाएंगे इसीलिए ट्रेडमार्क हमने लिया है जी 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 ये देखिए सर क्वालिटी देखिए दिख रही है सर क्वालिटी दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह और ऐसा लगेगा कि मिट्टी है, पर मिट्टी नहीं है बिल्कुल खिला हुआ खा दें ये, ये देखिए हाँ ये मतलब ये जमीन हमारे जमीन के लिए अमृत है बिल्कुल बिल्कुल जी, जी जी ये खास बात ये है कि रॉ मटेरियल अगर बढ़िया होगा ठीक है तो रॉ मटेरियल पे ही सारा डिपेंड है रॉ मटेरियल बढ़िया होगा तो खाद भी बढ़िया बनेगी भी अच्छी ग्रोथ करेंगे और आपने हेल्थ देखी है की ये इसी वजह से है रॉ मेटेरियल बढ़िया आ रहा है जी तो सारा डिपेंड इसी पे करता है रॉ मेटेरियल कैसा है और आप उस चीज को मैनेज कैसे कर रहे हैं सारा खेल इसी का है अभी जो स्थिति आपकी चल रही है फार्म संतुष्ट बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ तभी मैं इस को आगे 2x करने की सोच रहा हूं अच्छा, अभी कमिंग मंथ में हम यहां पे साइड में जो आपको दिखाई दे रहा एरिया यहां पे इसको बढ़ाने की सोच रहे हैं जी अभी आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको ये पूरा प्लान 2x नजर आएगा ये अभी लगभग एक, एक एकड़ है तो ये आपको दो एकड़ नजर आएगा जी जी हाँ भाई भैया प्रमोद सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें अपना फार्म का टूर कराया अपने शौक के बारे में बताया पहले शौक से शुरुआत हुई थी, थी और मार्केटिंग में है और ये ट्रेंड भी कर रहे हैं आप इस चीज में आओ ऑर्गेनिक खेती में आओ और कम से कम अपने घर के लिए तो ऑर्गेनिक हुआ है ना बिल्कुल, बिल्कुल. आप कमर्शियल कुछ भी करते हो वो आपको जैसे अवेलेबल लगता है वैसे आपको अपने अपने बच्चों को अपनी बीवी को तो कम से कम ऑर्गेनिक खिलाने की कोशिश करो तो मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको जल्दी मिलेंगे नई वीडियो से तब तक के लिए जय जवान जय किसान, किसान।